Hello everyone, and today we are going to discuss our chapter named Continuity and Differentiability, and it's our exercise number 2 of this chapter. And चलिए start करते हैं हम अपने examples. इससे पहले हम 5 examples कर चुके हैं और साथ में exercise के 2 questions भी complete कर चुके हैं. अगर आपने वो video नहीं देखी है तो एक बार आप उसको visit ज़रूर करें. तो हमारी first example number 6 क्या कहता है? A function f is defined as f of x is equal to modulus of x minus 4 upon x minus 4. When? कभी होगी ये condition? When x is not equal to 4. Not equal to 4 का मतलब क्या है? X की या तो value less than 4 होगी या फिर x की value greater than 4 होगी. Right? और second condition क्या कहती है? 0 होगी f of x की value when x is equal to 4. मतलब जब हम x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो हमारा f of x क्या आएगा, यानी कि फंक्शन ऑफ x हमारा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो हमें शो करना है, शो दैट f इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4. मतलब 4 को छोड़ के, x इज इक्वल टू 4 को छोड़ के मेरा पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा. मतलब मान लो ये मेरा ग्राफ है, ये मेरे पास पॉइंट्स हैं कुछ जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4. मतलब इन पे तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन 4 पे जाके मेरा पॉइंट ब्रेक हो रहा है और यहाँ से इसके दोबारा से चलना शुरू कर दिया. मतलब 4 एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई जहाँ पे ब्रेक ले रहा है वो फंक्शन हमारा. राइट, तो चलिए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कंटिन्यूटी में अब तक पढ़ा क्या है, एक बार उसकी छोटी सी रिविज़न कर लेते हैं ताकि हम ईजिली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकें. तो जब भी हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी की निकालने के लिए हम सबसे पहले करते क्या हैं, फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा. एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस व्हेन एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए. एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, मतलब फंक्शन में वो वैल्यू पुट करो जिसमें हमें चेक करना है. सेकंड पॉइंट हम चेक क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट था. सेकंड चेक क्या करते हैं कि लिमिट पुट करो x टेंड्स टू a. a वो पॉइंट है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, मतलब लिमिट लगाओ किस पे, फंक्शन पे, कहाँ कहाँ से, जब x टेंड्स टू a, मतलब x a के टुवर्ड्स मूव कर रहा हो. राइट, ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है. अब देखो, मान लो मेरे को चेक 4 पे चेक करनी है, मतलब 4 पे चेक करनी है, तो मेरा ये फंक्शन ऐसे था, तो फंक्शन के अगर मैं ग्रेटर जाऊंगी तब मेरे को ये लिमिट वाली इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और लेस देन जाऊंगी तब लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन एफ ऑफ ए पे मेरे को सीधा चेक करनी है कि मेरी एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. अब जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर जाती हैं तो मेरा थर्ड स्टेप क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स मेरा इक्वल आए किसके, एफ ऑफ ए के. यही मेरी रिक्वायरमेंट होती है. अगर मेरी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस. सेकेंड चैप्टर में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मेरा मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, और साथ में मेरा पॉलीनोमियल भी कंटिन्यूस होता है. इसी के अलावा मैंने बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी करवाई थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना. हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मेरे को निकालना क्या था, एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए निकालने से पहले मैं इस मॉड्यूलस को ओपन कर लेती हूँ. मैंने ओपन किया एक्स माइनस 4 को. मॉड्यूलस है तो लेस देन पे तो माइनस वाली वैल्यू लेगा. अब देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ. अगर मैं इसको कुछ ऐसे दिखाऊँ, मान लो ये मेरी लाइन थी, कोई कंटिन्यूस लाइन थी, लेकिन इसमें 4 पे ब्रेक आ गया, तो 4 से लेस में क्या लेगा, वो नेगेटिव वैल्यू लेगा, और 4 से ग्रेटर में क्या लेगा, वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेगा. राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा x इज लेस देन 4 पे तो उसने ली नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या ली, 4. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इक्वल का साइन क्यों आया. देखो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 4 पुट करोगे तो x माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 एक तरह से ये होगा, तो यानी कि 0. तो 0 तो ना नेगेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में आएगा, लेकिन उसको कंसीडर हम किस में कर रहे हैं, पॉजिटिव में. राइट, एफ ऑफ एक्स में मैंने ये दोनों कंडीशंस पुट करनी है. कैसे पुट करूँगी मैं, जब मेरी लेस देन की कंडीशन है तो मेरे को ये वाला वैल्यू उठानी है मॉडुलस की,
राइट, तो मैंने ये वैल्यू उठाई और नीचे वाले x माइनस फोर से ऊपर वाला x माइनस फोर कैंसिल, बची क्या माइनस ऑफ वन, यानी कि अगर मेरा x लेस देन फोर है तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ वन एफ ऑफ एक्स की। सिमिलरली अगर मेरा फंक्शन है फोर से ग्रेटर तब मेरी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस फोर अपॉन x माइनस फोर, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट और ये क्या हो गया वन, यानी कि तब मेरी वैल्यू क्या आएगी x ग्रेटर देन फोर पे वन। अब देखो चाहे तो आप यहीं से बता दो कि ये मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू फोर, y कंटिन्यूस होने के लिए तीन कंडीशंस बताई थी, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और तीसरी थी ये इक्वल भी होने चाहिए। क्या ये इक्वल हैं, एल एच एल और आर एच एल और एफ ओ फे नहीं है, तो यानी कि फंक्शन बेशक हमारा कंटिन्यूस है लेकिन इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी होल्ड नहीं कर रही, यहाँ से ही पता चल रहा है। अब इसको अगर मेरे को प्रूफ करके दिखाना हो तो मैं क्या करूँगी, एल एच एल लिखूँगी, लिमिट अप्लाई करूँगी उसके पास नेगेटिव, एल एच एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट मैं अप्लाई करूँगी तो माइनस वाला उठाते हैं हम लेफ्ट में, तो जब मैंने माइनस वाली वैल्यू उठाई तो मेरे पास क्या आई, माइनस ऑफ वन, क्योंकि मेरे पास लेस देन फोर पे क्या वैल्यू है, माइनस वन, तो माइनस वन जब मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आया, माइनस ऑफ वन, क्योंकि एक्स तो इसमें है ही नहीं फंक्शन में। अब सिमिलरली मैंने आर एच एल पुट किया, आर एच एल की मेरी वैल्यू वन आई, तो यहाँ से एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं किया किस पे, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू फोर पे। चलिए करते हैं आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड सेवन्थ, उससे पहले ना हम इसके सेम टू सेम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है क्योंकि हमने सेकेंड तक क्वेश्चन कर लिए थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और ये सेवन्थ, तो अब हम एट्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, एट्थ नाइन्थ टेंथ। ये एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज, प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस फोर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। सेम यही प्रोसीजर है, सेम यही क्वेश्चन है, बस क्या इसमें है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे वैल्यू थी डिवाइड में एक्स माइनस फोर और यहाँ पे दूसरी वाली मेरे एक्सरसाइज क्वेश्चन में नहीं है वो, तो यहाँ पे भी वही तीनों चीज़ें चेक करेंगे, क्या मेरा एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, सेकंड मेरे को क्या चेक करना होता है, क्या मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद, और अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो सबसे पहले एफ ऑफ ए पुट करते हैं, ए मेरे को क्या पुट करना है फोर, जब मैंने फोर पुट करके देखा तो फोर माइनस फोर क्या हो गया मेरा ज़ीरो, अब मेरे को लिमिट अप्लाई करनी है, फोर माइनस कर रही हूँ, फोर माइनस का मतलब क्या है, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस का मतलब लेफ्ट है होता है ना। अब एफ ऑफ एक्स मैंने पुट किया, कौन सी वैल्यू उठानी है मेरे को, देखो इससे पहले ना मैं एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर देती हूँ, मैंने एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, कैसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड का फंक्शन है तो एक्स लेस देन फोर पे क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू एक्स माइनस फोर, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पे क्या देगा, एक्स प्लस फोर, सॉरी माइनस फोर, प्लस की वैल्यू, ये प्लस का, ठीक है। अब जब मैंने इसको वैल्यू पुट की नेगेटिव वाली तो मैंने मेरे पास ये वैल्यू आई माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर, मैंने एच अप्लाई किया पुटिंग एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस एच, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी वैल्यू क्या थी यहाँ पे, एक्स माइनस थी, इसलिए मैंने क्या पुट किया फोर माइनस एच। अब लिमिट अप्लाई करी तो मेरे पास क्या आया, माइनस एक्स की वैल्यू फोर माइनस एच प्लस, माइनस का साइन मैंने ऑलरेडी अंदर ले लिया तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, प्लस का फोर। अब जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, माइनस के फोर प्लस के एच, तो माइनस के फोर से प्लस के फोर कैंसिल, बची क्या एच, एच की वैल्यू जीरो अप्रोच कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी जीरो। अब लिमिट कौन सी अप्लाई करेंगे, आर एच एल, जब मैं आर एच एल अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर प्लस, क्योंकि अप्लाई कौन सी कर रहे हैं, आर एच एल एफ ऑफ एक्स। अब देखो प्लस पे मैं, यानी कि जब फोर एक्स की वैल्यू फोर से बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू मेरे को ये उठाना है एक्स माइनस फोर, तो मैंने वही वैल्यू उठाई एक्स माइनस फोर, तो मेरी वैल्यू क्या आई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एच अप्लाई कर दिया, एच की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस एच होगी, क्यों, क्योंकि हम कौन सी आर एच एल उठा रहे हैं। अब
क्या आएगा ये 4 प्लस एच माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, एच की वैल्यू जब हम अप्रोच कराएंगे 0 तो क्या वैल्यू आएगी 0। अब देखो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तीनों 0, तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया था, डिसकंटिन्यूअस आ गया था, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके डिवाइड में एक्स माइनस 4 था, इसके ऊपर भी मेरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, राइट। अब बात करते हैं हम इसके ही जैसे एक और क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, इज कंटिन्यूअस, यानी कि जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले देखो दो पॉइंट्स आएंगे क्या, एक तो x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से मेरे को मिल रहा है x इज इक्वल टू जीरो, राइट, और यहाँ से मेरे को मिल रहा है x इज इक्वल टू वन, यानी कि कंटिन्यूटी कितने पॉइंट्स पे चेक होगी, दो पॉइंट्स पे। अब देखो ये मेरी है रियल लाइन, एक मेरे को पॉइंट मिला जीरो, एक मेरे को पॉइंट मिला वन, ठीक है, तो इसके मैं कितने पार्ट्स बना लेती हूँ, तीन पार्ट्स बना लेती हूँ। फर्स्ट कौन सा, जो जीरो से नीचे है इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, एक जो वन से बड़ा है यानी कि इन्फिनिटी तक, एक जो जीरो और वन के बीच में है। इतनी बात क्लियर है। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी तो यानी कि ये पोर्शन भी नेगेटिव में होगा और ये पोर्शन भी नेगेटिव में होगा, यहाँ पे दोनों पोर्शन नेगेटिव में होंगे, यानी कि माइनस एक्स प्लस वन होगा ये। अब देखो जब जीरो से वन के बीच में होगी तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, वो क्यों, जीरो में से कुछ माइनस सॉरी जीरो में कुछ प्लस हो रहा है ना, तो ये तो होगी पॉजिटिव में, यानी कि एक्स तो मेरा पॉजिटिव में होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू मेरी किस में होगी, नेगेटिव में, क्योंकि जीरो माइनस वन अगर आप पुट करते हो, जीरो माइनस वन, क्योंकि जीरो से वन के बीच में लेना है तो वन से तो छोटा ही रहेगा, और वन से छोटे में से अगर आप वन माइनस का वन सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है वन वाली वैल्यू बड़ी आएगी तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस की, तो माइनस एक्स प्लस वन। अब थर्ड केस की बात करते हैं, जब वन से बड़ी हो वैल्यू, तो वन से बड़ी यानी कि ये इसमें भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो एक्स प्लस एक्स माइनस वन, तीनों केस क्लियर है, वही तीनों केस मैंने थ्योरिकल उसमें लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ये वाला पोर्शन, एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, वो क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो क्यों, जीरो से तो बड़ा है और इक्वल वाला पोर्शन भी तो यहीं आएगा, राइट, और वन से क्या है, छोटा है, सिर्फ छोटा है, इक्वल वाला पोर्शन कहाँ आएगा, अगले स्टेप में, क्योंकि अभी वो सिर्फ वन से छोटा है, तो वन से छोटे के लिए ये वाली वैल्यू, और वन से बड़े और इक्वल के लिए मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स प्लस एक्स माइनस वन। किस पे सबसे पहले चेक करते हैं, दो पॉइंट्स हैं मेरे पास तो मेरे को वन पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और जीरो पे भी, तो पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करती हूँ जीरो पे, तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस वन, किस में वैल्यू रखनी है, लेस देन सॉरी इक्वल वाले में, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरे पास क्या आई, जीरो माइनस जीरो प्लस वन। अब लिमिट प्लस कौन सी वाली अप्लाई की है, प्लस वाली, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, यानी कि आर एच एल निकाल रही हूँ पहले मैं एफ ऑफ एक्स, तो जीरो प्लस पे वैल्यू ये है, इस वैल्यू में मैंने वैल्यू रख दिया इट इज, अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या वन, और वन पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन, ये भी वन, ये भी वन, अभी तक तो सभी सही चल रहा है। लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस पे, जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, अब जीरो से कम, जीरो माइनस का मतलब तो जीरो से कम हुआ, तो वैल्यू कौन सी उठाएंगे, माइनस एक्स प्लस वन, तो माइनस एक्स प्लस वन जब मैंने वैल्यू उठाई तो मेरे पास क्या आया, माइनस टू एक्स प्लस वन, एच अप्लाई किया यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, ये वाली वैल्यू आएगी, इसको मैंने पुट किया। अब जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास क्या आया, जीरो माइनस एच मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या आएगा, माइनस टू को मल्टीप्लाई करो जीरो से और फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करो माइनस एच से, तो क्या आएगा, टू एच प्लस वन, एच अप्रोचेस टू जीरो करवाओ तो वैल्यू क्या आएगी, वन, यानी कि एफ ओ फे भी वन,
एल एच एल बी वन और आर एच एल बी वन, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। मतलब जीरो पे तो कोई बात ही नहीं है, अभी जीरो क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूस। अब बात करते हैं मेरे एक्स इज इक्वल टू वन पे। एक्स इज इक्वल टू वन पे मैं कैसे फाइंड करूँगी, एफ ओफ ए इज इक्वल टू, अब देखो इक्वल वाली बात है तो ये वाला पोर्शन उठाना है, तो उठाओ एक्स प्लस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस एक्स माइनस वन, पुट किया वन तो मेरे पास क्या है, वन प्लस वन माइनस वन, तो ये वैल्यू आ गई वन। अब वन प्लस अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि आर एच एल की बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट किसकी चेक करनी है, वन की, तो यही वाली वैल्यू है वन प्लस एक्स माइनस वन। लिमिट अप्लाई करो क्या, एच टर्न्स टू जीरो, जब एच अप्लाई करोगे तो ए क्या है मेरा वन, वन प्लस एच, और वन प्लस एच मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया, या आप साथ के साथ लिख लिया करो पुट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच, राइट। तो क्या आएगा मेरे पास, वन से वन कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास एच और वन प्लस एच, एच अप्रोच टू जीरो करवाओ तो क्या आएगा वन। सिमिलरली मेरे पास वैल्यू कौन सी है, एल एच एल, एल एच एल में लिमिट अप्लाई करो वन माइनस एफ ऑफ एक्स, वन माइनस में कौन सी वैल्यू उठानी है, यहाँ पे चेक करो ये वाली वैल्यू उठानी है वन माइनस में, एक्स माइनस एक्स माइनस वन, तो जब मैंने ये वैल्यू उठाई तो मेरे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगी, माइनस का साइन। अब माइनस से प्लस कट गया, बचा क्या वन, लिमिट अप्लाई करो तो वन, ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन, बची क्या वैल्यू, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस। यानी कि वन पे भी कंटिन्यूस है, जीरो पे भी कंटिन्यूस है, तो मेरा फंक्शन ऑल ओवर क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एट्थ और नाइन्थ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बात रहती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन की, तो वो हम इसमें साथ के साथ एग्जांपल में करते हैं कि देखो इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूस। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉन्स्टेंट्स की, जब हमें ये फंक्शन क्या दिए हों, कंटिन्यूस दिए हों। तो अब की बार एफ ऑफ एक्स की जगह उसने नाम चेंज कर दिया एच ऑफ एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करनी हमने क्या है, कंटिन्यूटी चेक ही करनी है। अब जब लेस देन वन, लेस देन जीरो है तो वैल्यू ये लेनी है, जब ग्रेटर देन है तो वैल्यू ये लेनी है, तो इक्वल। अब देखो ये भी पॉलिनोमियल, ये ट्रिग्नोमेट्री, तो पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ये तो बात आप हर उसमें लिख सकते हो अब, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब लेकिन अभी चेक करना बाकी है, तो जब हम x इज इक्वल टू जीरो को चेक करेंगे, फंक्शन में पुट करो h इज इक्वल टू जीरो, तो cos जीरो क्या होता है वन। अब एल एच एल करेंगे तो एल एच एल में कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ये वाली, क्योंकि ये कहाँ है, जीरो माइनस पे, तो जीरो माइनस पे मैंने ये वाली वैल्यू उठाई, मेरे पास क्या आई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो m माइनस एच स्केयर, क्यों लिखा यहाँ पे, जीरो माइनस एच का होगा, तो जीरो को हम ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसने माइनस एच की स्केयर माइनस टू माइनस एच लिखा है, राइट। अब एच टेंड्स टू जीरो अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एच टेंड्स टू जीरो जो मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आई जीरो। अब मेरे को प्रूफ करना है एल आर एच एल, जब आर एच एल में वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस कोस एक्स, अब देखो प्लस यहाँ पे क्या लिखना था, कोस जीरो प्लस एच, लेकिन जीरो को लिखे ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसने डायरेक्ट क्या लिख दिया, कोस एच, और कोस जीरो क्या होता है, वन, कोस जीरो क्यों मैंने बात की, क्योंकि एच कहाँ अप्रोच हो रहा है, जीरो पे, तो एल एच एल इक्वल नहीं है किसके, आर एच एल के, तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एम की कोई वैल्यू कैसे आ सकती है।